हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ लंदन की स्ट्रीट्स में। यहाँ पे नाइट्स कैसी होती हैं और लंदन के टूर पर आते वक्त एक चीज़ का तो एक्सपीरियंस हुआ कि हमारा कल्चर इस कल्चर से तो बिल्कुल ही अलग है, डिफरेंट कल्चर है यार। हमारे यहाँ पे मेट्रो सिटीज़ में तो थोड़ा बहुत देखा जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जो ये कल्चर मैं देख रहा हूँ ये बिल्कुल अलग कल्चर है। यहाँ से देखिए किस तरीके से लड़कियाँ घूम रही हैं, और यहाँ पे देखिए बर्थडे पार्टी में जा रही है। और मैं अभी होटल में था, होटल में से निकलते हुए मुझे आगाह किया गया था कि यहाँ पे जब भी आप घूमोगे तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। तो पासपोर्ट मैंने जेब में डाल लिया है और मैं यहाँ पे निकल पड़ा हूँ सड़कों पे, गलियों में चेक करने के लिए। ये देखिए पार्टी हो रही है यहाँ पे, और यहाँ से अंदर चलते हैं। ये जो है सैटरडे की एक नाइट है, और क्योंकि आपको पता है कि पूरी दुनिया में सैटरडे संडे का बड़ा माहौल होता है, और ये लोग जो है सैटरडे संडे के ही टाइम को बहुत ज़रूरी समझते हैं। और आज सेलिब्रेशन टाइम है, इन सब लोगों का सेलिब्रेशन टाइम सैटरडे ही होता है। तो इट्स अमेजिंग आई थिंक। और ये सुपरमार्केट है जो यहाँ पे पास ही मेट्रो सिटी है, यहाँ पे पास ही मेट्रो ट्रेन का टर्मिनल है। ये देखिए ये बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है। तो आप जैसे वहाँ से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे साइड में इधर से चलते हुए आपको पब्लिक यहाँ पे चहलकदमी दिखेगी। ये लड़कियाँ इस समय देखिए ये अंदर एक होटल की तरफ जाने के लिए तैयारी में खड़ी हैं, और ये लड़कियाँ यहाँ पे पार्टी में आई हुई हैं। और मुझे इनके बारे में इसलिए पता है क्योंकि ये मेरे होटल के अंदर ही ठहरी हुई हैं लड़कियाँ ये। और चलो यहाँ से अंदर की तरफ चलते हैं। ये क्रॉसिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त, एक भीड़ भाड़ इलाके में भी यहाँ पे कितनी अच्छी सुविधा है, और लोगों के अंदर पेशेंस है भाई यहाँ पे। एक्चुअल में हमारे उधर जो है ना लोग पेशेंस नहीं रखते। तो यहाँ भी ये स्क्वेयर है, इस स्क्वेयर पे बैठ के आप यहाँ पे शाम को मज़ा ले सकते हैं, चाय का, कॉफ़ी का, या कुछ चीज़ खा सकते हैं, कोई भी चीज़ आप यहाँ पे लेना चाहें। तो मुझे लगता है कि इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस दैट आई हैव हियर। मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। चलो खैर आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहा है लड़का, देखियो। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अंदर, एक इवेंट है जहाँ पे थिएटर इवेंट होता है इनका, तो वहाँ पे मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उसकी टिकट ले रखी है, और मैं वहाँ से टिकट लेकर अंदर जाऊँगा। तो ये रास्ता है वो, और क्या खूबसूरत लड़की है ये देखिए, इतनी खूबसूरती है यहाँ पे। एक चीज़ तो है यहाँ पे, अगर मान लो अगर आप वीडियो भी ग्राफिक भी कर रहे हैं तो किसी से कुछ नहीं लेना। ये आसपास में आपके जो कुछ भी हो रहा है, कुछ भी आपको मतलब कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, आप अपना काम करते रहिए, ये अपना काम करते रहेंगे। तो ये देखिए बेवड़ा। तो खैर बहुत ज़बरदस्त जगह है, चहलकदमी वाली जगह है, और मुझे लगता है कि कपल्स के लिए इट्स अ रोमांटिक प्लेस दैट एवर आई नेवर हैड सीन, है ना। तो मज़े वाला एक एक्सपीरियंस है, मज़े वाली एक फीलिंग है यहाँ। और चलिए मैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैं ज़्यादा इसमें कुछ बोलूँगा नहीं, तो मुझे लगता है कि इतना ही मैं बता पाऊँगा कि आगे मैं आपको बहुत सारे अच्छे सीन्स के साथ इस वीडियो को छोड़ दूँगा। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि यहाँ की चहलकदमी कैसी है, क्योंकि यहाँ पर लगातार बोलना, क्योंकि ठंड ज़्यादा है यहाँ पे, बोलना मुझे लगता है गले के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि 3-4 दिन पहले भी मेरा गला ख़राब रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को साथ साथ में ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि जब भी आप इंग्लैंड जाएँ या कहीं पे भी जाएँ, आप नक्शा ज़रूर साथ रखिए। सबसे पहले बड़ी बात है कि एक और चीज़ है, मेरे को अभी थोड़े दिन पहले एक मैसेज आया था कि आपने वीज़ा कैसे लिया। दोस्तों अगर आप लोग बिल्कुल जेन्युइन तरीके से वीज़ा लेना चाहते हैं तो वीज़ा तो आपको आपके डॉक्यूमेंटेशन पे मिलेगा, और आप लोगों की जो अप्रोच है उस पे मिलेगा। किसी के थ्रू मत जाइए, किसी की एजेंट के थ्रू मत जाइए, मैं आप लोगों को हमेशा कहना चाहता रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये शाम बहुत रंगीन है, और है ना, ये देखिए लड़की ने मुझे छुपा लिया, इसने देख लिया कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। कई लोगों को होता है फोबिया इन सब चीज़ों से, बट इट वॉज नाइस एक्सपीरियंस। बाकी जो है मैं आप लोगों को यहाँ पे इस वीडियो के साथ आगे ऐसे ही विदाउट कमेंट्री चलूँगा। तो चलो देखते हैं, कितनी चलिए।
कोर्स करता हूँ। हे गर्ल्स, तो ये देखिए सभी लोग ना जब कैमरे की तरफ देखते हैं, एक बार देखते जरूर लेकिन बिल्कुल शांत हो जाते हैं, लेकिन वो पता है कि किसी हर इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ है, तो इसलिए किसी के अंदर किसी के साथ पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं। पर ओवरऑल इट्स अ नाइस कल्चर। देखिए बहुत अच्छे से लड़के लड़कियाँ मतलब बुजुर्ग भी हैं यहाँ पे, अपना इंजॉय कर रहे हैं, और ये इंजॉयमेंट का ही यहाँ पे बोला जाता टाइम है। सबसे बढ़िया यहाँ पे जो है वो ये है कि ये कल्चर इतना स्प्रेड है, इतना वाइड है, इतना रिच है कि पता नहीं दुनिया तो बहुत सारी दुनिया के लोगों को जो स्पेशली इंडियंस ये सोचते हैं कि फॉरेन कंट्री के अंदर जो है बहुत बुरा माहौल है, वहाँ पे अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छा माहौल नहीं है, बट इट इज़ वेरी नाइस। आई थिंक ओवरऑल इट्स अ काइंड ऑफ डिफरेंट कल्चर दैट। चलिए अभी आपको छोड़ देते हैं, आगे स्लो सोचते हैं। रिक्शा, क्या बात है। ये देखिए रिक्शा, जैसे वहाँ हमारे इंडिया में रिक्शा होते हैं, यहाँ पे भी रिक्शा है, लेकिन ये कुछ अलग तरीके के रिक्शा है। ये जो है पास ही यहाँ पे एक इवेंट हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त इवेंट है, बड़ा इवेंट है, तो ये वहाँ के लिए भीड़ इकट्ठा हो रही है, और अभी उसको शुरू होने में लगभग एक दो घंटे हैं, तो लोग इधर उधर घूमकर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। चलिए यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए निकलने को मैं यहाँ से इनके बीच में से निकल जाता, लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं लगता यहाँ पे कल्चर को, कुछ अलग तरीके है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं उधर से बिल्कुल पीछे से वो साइड से घूमकर फिर मैं इधर को आया हूँ, क्योंकि हम लोगों ने वो सामने जाना है। ये बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस मेरे लिए, तो मैं तो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस ले कर रहा हूँ इस समय, खुश हूँ। ठीक है, माहौल यहाँ पे ठीक है, ना ज़रा ठंड है, लेकिन मुझे ठंड फील हो रही है। यहाँ के लोगों को, यहाँ के कल्चर के मुताबिक कुछ ऐसी फील नहीं हो रही कुछ। तो चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरीके से बहुत सारे अभी US की वीडियोस, और इसके अलावा इस्तांबुल, दुबई, इन सब कंट्री में जाकर मैं विज़िट किया, तो मैं इन सब की वीडियोज़ आपके सामने जरूर देख रहा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों के लिए ये मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, आप लोगों के लिए मैं एक्सप्लोरेशन करता हूँ। ट्रैवल एक्सप्लोरेशन बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री बन चुकी है, तो आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस देन वीडियोज़ देखिए। मैं बीच बीच में आप लोगों को गाइड भी करता रहता हूँ, आप किस तरीके से एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। तो शब्द के साथ फ्री वीज़ा एडवाइज़र आप लोगों का धन्यवाद करता है, सब्सक्रिप्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सब्सक्राइब किया, और इसी तरीके से जुड़े रहिए, इसी तरीके से जुड़े रहिए, ताकि आपको इस पास सही सही इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ सी लेटर, और मैसे विश ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। सब्सक्राइब कर दीजिए अभी के अभी, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने बहुत ज़बरदस्त एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। अगर पहले ही सब्सक्राइब कर देंगे तो शायद आपको आगे आने वाली वीडियोस में बहुत कुछ मिलने वाला है, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये वीडियो यहीं छूट जाएगा, तो उसके बाद तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन आपके लिए बहुत सारा एक्सप्लोरेशन लंदन में, यानी कि इंग्लैंड में मेरे कैसे एक्सप्लोरेशन रहा, ट्रैवल एक्सप्लोरेशन एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैं सारा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूँ, थैंक यू।